क्या आसान है किसने बोला था <laughs> आसान है <laughs> आप इस सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है जहाँ yes, जिन्होंने दोनों हाथ ऊपर yes, yeah. कर <laughs> सपने, <laughs> <laughs> सपने में तो सोच सकते <laughs> <सपने>। <laughs> 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 <केंट> तो <laughs> हो yeah. होना है मैंने सोचा था इस एक दिन तो मिलना अब इस तो बंदे से मिल रही है।, है बंदी से मिलना है ये एज ग्रुप जो हमने रखा इस से, इस सेशन का वो है थर्टी से फोर्टी के आसपास आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप राइट क्योंकि आप लोगों के लिए अब बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हो एक्सपीरियंस कर चुके हो कॉलेज में तो बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है हमारे अंदर से कि अब ये होने वाला है लाइफ में वो होने वाला है अब आपको पता है लाइफ की क्या हालत होती है <laughs> वो सपनों की दुनिया टूट चुकी है है ना और हर तरह से पिसे हुए हैं लाइफ ने हर तरह से हमको हमारी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं तो अब इसमें से कैसे निकलना है तो ये अब आपके अंदर से आ रहा होगा उनके अंदर से तो कुछ और ही आता रहता है जो यंगस्टर्स हैं वो तो अपनी एक अलग ही दुनिया में होते हैं कि ये होगा वो होगा शादी होगी शादी का इतना मज़ा आएगा गलत होगा को कोई अंत ही नहीं है अब मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज के सेशन में क्या होने वाला है जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा है हम सिर्फ उसी को आज के सेशन का टॉपिक बनाएंगे और उसी की डेप्थ में जाएंगे तो आज का जो टॉपिक आ रहा है क्वेश्चन uh, के अकॉर्डिंग कि जो लाइफ है हमारी ये हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके सोल्यूशन क्या है और एक और पूछा है यू स्पिरिचुअलिटी फॉर सक्सेस एंड पीस ऑफ माइंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये समझते हैं कि सक्सेस क्या है आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं एक अच्छी कंडीशन में हैं

लेकिन खुद जब एक सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं माइंड में जब खचड़ पचड़ चल रहा होता है हम अपनी इंपल्सिस को हैंडल नहीं कर पाते हैं यानी कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से हम बाहर नहीं आ पाते ये सब फैक्ट्स हैं डिप्रेशन में एक बार जा रहे हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते वी डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन लाइफ सब कुछ सही चल रही थी फिर एकदम से झटका लगा लाइफ ने एक झटका दिया हम नीचे गिर गए अब ये नहीं पता वहां से बाहर कैसे आए कोई भी सेटबैक हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है पैसे से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो पॉइंट ये होना चाहिए कि हम घर में रहते हुए सबके साथ में रहते हुए कैसे अंदर से चौबीस घंटे खुशी से झूमते हुए रह सकते हैं नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग कि सब कुछ ठीक चल रहा है इस वजह से मैं खुश हूं तो आप डम्प हो बच्चे को एक खिलौना चाहिए था वो खिलौना उसको मिल गया तो कुछ देर के लिए वो खुश है उसको वो खुशी बोल रहा है उससे खिलौना छीन लो रोने लग जाएगा चीखने चिलाने लग जाएगा, पागल हो जाएगा लेट जाएगा, <laughs> सारे लोग हम उससे खुश फील करने लग जाते हैं सारी ये जेन्युइन खुशी नहीं है खिलौने को छोड़ देता है छोड़ेगा ही ना क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया जैसे एक लड़का शादी से पहले रो रहा होता है कि मेरी अगर इस लड़की से शादी नहीं कराई तो मैं सुसाइड कर लूंगा बाद में उस लड़की की वजह से वो सुसाइड कर लेता है <laughs> आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है मतलब कोई बता सकता है ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है 24 घंटे में से जिस वक्त आप बिल्कुल विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट आप बोल सकते हो कि वो एक्सपीरियंस कमाल का है और सबके लिए एक जैसा है लिए है वो Sir, जब मेरी बेटी, आ, मुझे बहुत मुझे अच्छे से प्यार से हक करती है क्योंकि सर वो मेरी बेटी को देख के मतलब इतना अच्छा लगता है वो इतने प्यार से करती है कि मुझे लगता है इसके अंदर मेरे लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेरी मॉम ये करेगी तो मैं इसको प्यार करूंगी ये अनकंडीशनल है जो उसके अंदर से आ रहा है और वो मुझे कल अगर कंडीशन उनकी तरफ से तो क्या होगा सर

इसको समझोगे आप कब खुश होते हो क्यों खुश होते हो और जब दुखी होते हो कब होते हो और क्यों होते हो अगर हमको इतना सा समझ आ जाए तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को 24 घंटे पे अप्लाई कर सकते हैं समझ आई तो सही समझ ही ना आए तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस मोमेंट में क्या होता है अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से अपने हथियार डाल देता है थॉट्स जीरो हो जाते हैं होता है नहीं होता है, है। उस मूमेंट में आपको यह भी ख्याल नहीं होता है अभी आप सोचोगे तो यह ख्याल आएगा बट उस मूमेंट में यह ख्याल नहीं होता है कि ये मेरी बेटी है ये मुझे हक कर रही है अगर वो ख्याल होगा तो वो खुशी नहीं हो सकती समझ गए अगर आप सोच करके हक करो आज जाकर के करके देखना अपने बच्चों को हक कि मैं हक कर रही हूं और मुझे बहुत खुशी होगी बहुत खुशी होगी बहुत खुशी होगी <laughs> रत्ती भर भी खुशी नहीं होगी उस मूवेंट में आप खुशी के बारे में नहीं सोच रहे होते हो इसीलिए आप खुश होते हो पिक्चर देखो ये सोच करके कि मेरे को खुश होने के लिए पिक्चर देखनी है मुझे खुश होने के लिए वहां मैं कितनी खुश हो रही हूं कितना मजा आ रहा है तो खुशी नहीं होगी पिक्चर देखो और अगर पिक्चर अच्छी है तो वो तो आपकी अटेंशन को ग्रैप कर लेगी इसको अगर आप माइंड के लेवल पे समझने की कोशिश करोगे क्या होता है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपकी अटेंशन आपका जो ध्यान है अटेंशन समझते हैं हम हमारा ध्यान है ना इधर उधर भटकता रहता है आपके ध्यान को हजार जगह से हटा करके एक जगह पर लिया और वो एक जगह ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है समझ रहे हो वो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है ना कि मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि अगर वो एक जगह मेरे को अच्छी लगती है लेकिन आपको नहीं अच्छी लगती तो आप खुश नहीं हो सकते वहां पर ठीक है ना किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है उसको फुटबॉल दिखाओगे तो क्या होगा वो तो दुखी हो जाएगा जिसको फुटबॉल अच्छा लगता है अगर वो फुटबॉल देखेगा तो क्या होगा खुश हो जाएगा हो क्या रहा है ध्यान से समझो हमें जो अच्छा लगता है जैसे ही हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमारे पूरे ध्यान को अपनी तरफ खींच लेता खीच है।, है या खींच लेती है वो चीज या वो लोग या वो सिचुएशन जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं होना चाहिए होना चाहिए प्रमोशन होना चाहिए होना चाहिए हो गया प्रमोशन उस वक्त में सब कुछ ढह जाता है कुछ दिनों के लिए आप खुशी से झूम रहे होते हो फिर कोई नई सिचुएशन आ जाती है वो आपके अटेंशन को खींच लेती है कौन सी सिचुएशन होती है जहां से दुख पैदा होता है जिसको आप पसंद नहीं करते समझ गए ना बच्चों को हेल्दी देख रहे हो तो ये क्या है अटेंशन, वो वो अटेंशन, अटेंशन बंधती नहीं है क्योंकि तो उसी वक्त आप चाहो तो अपनी अटेंशन कहीं और भी ले आ सकते हो ध्यान कहीं और भी लगा सकते हो लेकिन ये चीजों में इतनी ताकत होती है हमारे लाइक है और डिसलाइक है ये खींच लेते हैं हमारी सारे ध्यान को अपनी तरफ तब तो सवाल ये आता है कि किस तरह से हम एक्सट्रीम में जो चीजों के लिए क्रेव करते हैं या एक्सट्रीम में हम चीजों को डिसलाइक करते हैं एक्सट्रीम लाइक्स एक्सट्रीम डिसलाइक्स ये प्रॉब्लम है बस इतना सा समझ लो लाइक एंड डिसलाइक इज नॉट अ प्रॉब्लम उससे बाहर निकलने के चक्कर में तो पागल हो जाओगे ठीक है ना जो कोई गोबर है मानो किसी गाय का गा, तो उसकी स्मेल गंदी लगती है तो आप क्या करोगे अपने माइंड को कंडीशन करोगे नहीं मुझे वो अच्छी लगने लग जाए अच्छी लगने लग जाए गंदी है तो गंदी है दैट इज ओके बट उसके लिए जो आप रहे हो अंदर से उसको देख करके कलप रहे हो जैसे होता है ना मैंने एक एग्जाम्पल दिया है किसी पर्सन को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो गोबर की जगह बहुत सारे लोग गोबर जैसे होते हैं ठीक है तो कोई बंदा है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तो आप उसको डिसलाइक करते हो ये प्रॉब्लम नहीं है समझ गए ना कोई बंदा है वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है हमेशा नेगेटिव बातें करता है आपको तंग करता है आप उसको पसंद नहीं करते ये प्रॉब्लम नहीं है आप उसको हेट करते हो ये प्रॉब्लम है आप चाहते हो कि मेरी प्रमोशन हो जाए ये प्रॉब्लम नहीं है आप तड़प रहे हो उस प्रमोशन के लिए ये प्रॉब्लम है और उस प्रमोशन के लिए आप कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो ये प्रॉब्लम है वो भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जो उस प्रमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यानी कि आपकी हेल्थ इसको वकोहलिक बोलते हैं तो पागलों की तरह प्रमोशन तो के पीछे भाग रहे हैं उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है क्यों क्योंकि वो एक्सट्रीम लाइक हो गया तो एक्सट्रीम में लाइक like, एक्सट्रीम में डिसलाइक क्रिएट्स ऑल द सफरिंग इन द वर्ल्ड लड़ाई कब होती है हमारे अंदर आपके अंदर क्रेविंग उठी कुछ खाने की फॉर एग्जाम्पल या कुछ करने की अब हम पागलों की तरह उसकी तरफ भागने लग जाते हैं या उस काम को कर देते हैं या फिर अंदर ही अंदर अपने माइंड में बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है दोनों तरफ ट्रैप है बहुत बारीक बात है अगर ये पकड़ में आए तो बिकॉज मैं जिस बेसिस पे बात करता हूँ ना मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ अपने माइंड को ऑब्जर्व करता रहता हूँ चौबीस घंटे और उसमें जो चलता रहता है उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है आप ये दो ही काम करते हो इसके अलावा कोई तीसरा काम तो नहीं करते मीठा खाने का मन कर रहा है या अंदर से पकौड़े खाने का मन कर रहा है या तो जा कर के खा लोगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है यानी गलत काम आपने कर दिया या फिर कहोगे नहीं मुझे नहीं खाने हैं नहीं खाने हैं नहीं खाने हैं नहीं खाने हैं ये दो करते हो इसके अलावा कोई तीसरा काम करते हो नहीं ध्यान करने की कोशिश ध्यान हाँ, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो वही मतलब कि नहीं खाना है और आप ध्यान कहीं और लगाओ लेकिन जितना आप ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो उतना ही अर्ज भरती है पकौड़े खाने की होता है जितना आप कहोगे नहीं करना है तो वो आपके उस लाइक को और स्ट्रांग कर रहा है ये बेसिक साइक है, की है। आप कहोगे कि मुझे ये वाली मेमोरी अच्छी नहीं लगती हाँ सर। उस से आप पीछा छुड़ाना चाहते होगा क्या जैसे ही कुछ मेमोरीज आएंगी पुरानी फिर अंदर वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा अच्छी होगी तो आपको याद आने लग जाएगी वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे कितना मजा आता था यार वो कॉलेज डेज भी क्या डे थे मतलब पास्ट में जा रहे हो और वहां जाकर के अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हो वो पास जो कभी वापस आ नहीं सकता जो अल्टीमेटली दुखी है हर मेमोरी जो आपको सुख देती है वो एक्चुअल में दुख है ये बात हमको समझ आ रही है कोई डाउट तो नहीं है इसमें क्योंकि वो आपको दुखी ही करेगी क्योंकि आप वहां जा तो सकते नहीं हो दर इज नो वे देर इज नो टाइम मशीन जिसमें बैठ करके आप पास में जा पाओ तो वो आपको दुखी करता रहेगा फ्यूचर के बारे में जो आप सोचते रहोगे वो आपको दुखी करता रहेगा क्योंकि वहां जा तो सकते नहीं हो पर सोच रहे हो बैठ करके तो आदत क्या बनानी है कि पास्ट में जाना है इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए प्रेजेंट में यूज करना है जिससे कि हमारा जो सर्वाइवल है वो इंश्योर्ड हो सके कंफर्टेबल हो सके बस यहां पर ला करके फुल स्टॉप लगा दो फ्यूचर में जाना है क्यों जाना है क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं अब इसका फ्यूचर कैसा होगा सोचना ही पड़ेगा ना गोल सेटिंग करोगे तो सोचना पड़ेगा ना कि इसको करने से क्या होगा ये होगा वो होगा प्लानिंग करनी पड़ेगी इसमें कितना पैसा चाहिएगा ये वो बट तो आप क्या कर रहे हो पास्ट में भी जा रहे हो फ्यूचर में भी जा रहे हो लेकिन जा रहे हो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां से निकालने के लिए और प्रेजेंट में उसको यूज करने के लिए इसमें मुश्किल क्या है जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते हैं वो क्या बेवकूफी करते हैं वो पास से और फ्यूचर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं मेमरी वो जो खराब मेमरी आ रही है बार बार माइंड में जो याद आ रही है वो नहीं आनी चाहिए दैट इज अ ट्रैप वो फंसा देगा आपको क्योंकि वो उस मेमरी को और स्ट्रॉन्ग कर देगा मेमरीज क्या होती है भूत के जैसी होती है जितना आप कहोगे ना मुझे ये भूत नहीं दिखना चाहिए क्योंकि तो एक्चुअल में भूत कहां है हमारे माइंड में है एक्चुअल एक्चुअल में 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 है है माइंड तो नहीं है नहीं तो दिखाओ मुझे है 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 माइंड में मतलब कि वो भूत के जैसी है, तो जितना आप ये कहोगे कि मुझे ये नहीं दिखना चाहिए भूत उतना ही भूत स्ट्रांग होता चला जाएगा भूत की एग्जिस्टेंस पक्की होती चली जाएगी इसको ध्यान से समझना भूत अंदर से जो कह रहा है भूत मतलब भूत भूत भूतकाल बोलते हैं ना मेमरीज क्या है पास्ट क्या है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भूत ही बोलते हैं ना तो अंदर से आपके भूत जो भी कुछ कह रहा है आपको करने के लिए वो आपने किया तब भी वो भूत पक्का हो जाएगा नहीं किया तब भी वो भूत पक्का हो जाएगा तो क्या करो सिर्फ बैठे बैठे ये जान लो कि ये भूत है भूत मतलब वो जो है ही नहीं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसको भूत बोलते हैं क्या जो आपकी पास्ट की मेमरीज हैं वो इस मोमेंट में आपका कुछ भी बिगाड़ सकती है ये कोई फैक्ट है या इल्यूजन है कैसी भी मेमोरी आ जाए कैसी भी कितनी भी बुरी कितनी भी अच्छी क्या वो एक्चुअल में आपका खून कर सकती है नहीं, नहीं कर सकती जी क्या बिगाड़ सकती है वो आप कुछ भी नहीं जहां हमको ये बात समझ आ जाती है तो भूत की पावर खत्म हो जाती है कोई बुरी मेमोरी आई भी मेरे अंदर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इट बी हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कोई बुरा थॉट आया भी फ्यूचर से रिलेटेड हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस देखता हूँ क्या करता है देखता हूँ कितनी देर तक रहता है क्या मैं उसको पकड़ करके ज्यादा देर तक रख सकता हूँ yes. नहीं रख सकता जी जैसे ही आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हो वो गायब हो जाता है yes. भूत का यही तो खेल है ना yes. आप भूत को जा करके पकड़ो भूत गायब yes. भूत से डर करके भागो भूत, yes. भूत बनता ही रहेगा वंस यू स्टार्ट लिविंग विद इट उनको अपने घर में आपने जगह दे दी रह लो एक्सेप्टेंस है मतलब उनको आने दो लेट इट कम लेट दैट मेमरी कम बुरी मेमरीज आ रही है ना जैसी मेमरी आती है हम घबराने लग जाते हैं डरने लग जाते हैं इधर उधर भागने लग जाते हैं हड़बड़ आ जाते हैं वो नहीं करना है लिव विद मेमरी जो भी कुछ हो रहा है होने दो आप समझ गए बट डोंट रन अवे फ्रॉम इट फेस इट द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट मेमरी विदाउट एन अर्ज टू चेंज इट इट लूज इट पावर इफ यू वॉन्ट टू फुलफिल इट कोई मेमोरी आई अंदर से कोई इंपल्सिस आई उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तब भी फंसोगे नहीं करोगे तब भी फंसोगे उसको बोलो देखता हूं मैं इंपल्स क्या है देखता हूं ये इमोशन क्या है आने दो ना देखता हूं मैं मरता हूं या नहीं मरता सीट। बुरे सपनों से हम डरते हैं इसीलिए तो हमको डराते हैं सपने में हमने देख लिया कि वो हमारे वट वो रिलेटिव है वो मर गए फॉर एग्जाम्पल ऐसे उल्टे सीधे सपने आए और सुबह हम डरे हुए हैं उससे क्या होगा वो सपना और स्ट्रांग होता चला जाएगा वो डर और बढ़ता चला जाएगा तो उस डर को खत्म करने का क्या तरीका है वापिस उस सपने को प्ले करो अपने माइंड के अंदर क्या आया था सपना देख लो कैसे मरे थे जाकर के उस आदमी से मिलो देखो मरे मरे नहीं मरे? तो आपके सपने में तो मरे एक्चुअल में नहीं मरे तो डरने की क्या जरूरत है कितने उल्टे सीधे आज तक आपको सपने आए कुछ हुआ क्या बस उस तो भूत की पकड़ आपके ऊपर से निकल जाएगी जहां यह पकड़ गई आप फ्री हो गए अब आप बिल्कुल पीसफुल हो आप बिल्कुल एक पीसफुल लेक के जैसे हो गए अब कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो उसके होने से या ना होने से लेक को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है कि आपके आसपास में कुछ भी अच्छा हो रहा है कुछ भी बुरा हो रहा है आप बिल्कुल पीसफुल हो कि बाहर से आप नाच रहे हो पागलों की तरह लेकिन अंदर से आप पीसफुल हो बाहर से कुछ बहुत गलत हो रहा है आपके साथ में लेकिन अंदर से आप नाच रहे हो झूम रहे हो देख करके बाहर से कोई आइडिया नहीं लगा सकता अंदर से बिल्कुल स्टेबल हो तो तो पर्पज ऑफ तो लाइफ की यही है बेसिकली पर्पज ऑफ लाइफ क्या है कि अब चाहे थाट्स हो या ना हो तीन ही लेवल है ना बॉडी है माइंड है और इंटेलेक्ट इन तीनों के बीच का फर्क हमको समझ आता है बॉडी मतलब बॉडी से रिलेटेड हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए अपनी तरफ से अपनी बॉडी को ठीक रखना है लेकिन उसके बावजूद कुछ गड़बड़ भी हो जाए तब भी हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब no. नहीं होना चाहिए वन टू हाँ मैं एक बार तीनों को कवर कर देता हूँ माइंड का लेवल क्या होता है जो हमारे इमोशंस हैं जो फीलिंग्स हैं जो बहुत तेज़ी से उठती है जब इमोशन बढ़िया होता है तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो हमें यह समझ आना चाहिए कि उन इमोशंस का भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब क्या है मतलब ध्यान से समझ रहे हो ना इमोशन से पीछा नहीं छुड़ाना है जी पहाड़ों में जाकर के बैठना नहीं है किसी गुफा में या आंख बंद करके बैठना नहीं है इमोशंस रहेंगे बट उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा असर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा इसको ध्यान से समझो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रोगे मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम रोना बंद कर दें तब तो आप कंट्रोल कर रहे हो ना अपने आंसुओं को मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोल जी इट इज अबाउट लेटिंग इट हैपन वॉट एवर इज हैपनिंग बट बींग फीललेस अबाउट इट अभी हमको रोने से डर लगता है ये प्रॉब्लम है रोना प्रॉब्लम थोड़ी है एक नेचुरल फिनोमिना है आंख में कुछ जाएगा तो आंसू आएगा ना ऐसी कुछ गड़बड़ होगी तो आंसू आएंगे ना आने दो ना अभी हम रोने से डरते हैं ये प्रॉब्लम है तो अगर कहीं कुछ गलत होगा तो आप खुल के रो रहे हो लेकिन अंदर से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि आपको यह पता होगा कि ये कुछ भी होता रहे कुछ देर के लिए है फिर वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा समझ गए मतलब पानी है उसमें कुछ पुरानी आदतों की वजह से पुराने लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से कुछ लहरें उठी भवंडर उठा पता नहीं क्या क्या उठा लेकिन कुछ देर का है आंधी तूफान फिर शांत हो जाएगा तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा आंधी तूफान में जाने का भी जो लोगों में डर होता है आंधी तूफान मतलब क्या है कि सब तरफ सब चीजों की उड़ गई राइट फ्रॉम बॉडी टू टू रिलेशनशिप्स है ना इसमें डर लगता है ना ये सोच करके भी कि अगर ये हो गया तो क्या होगा उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या हो? क्या डर है आंधी आती है आ जाए तूफान आता है आ जाए क्या फर्क पड़ता है जी तो जो आप स्टेज कह रहे हैं कि बॉडी लेवल पे मेंटल लेवल पे इसको अचीव करना ही मतलब पर्पस होना चाहिए लाइफ का और क्या है जी लाइफ का अगर खुशी के अलावा कोई और पर्पज़ है तो बता दो जो भी कुछ आप कर रहे हो जानवर कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहा है जिसमें भी लाइफ है जो भी कुछ वो कर रहा है किस लिए कर रहा है खुशी के लिए तो कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा बॉडी के लेवल पे कुछ भी होता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा माइंड के लेवल पे कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा इंटेलेक्ट के लेवल पे कुछ भी होता है उससे भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा इंटेलेक्ट के लेवल पे लोग जा कर के फंस जाते हैं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तू जो सोच रहा है वो गलत है मेरा धर्म सही है तेरा धर्म गलत है इस किताब में जो लिखा हुआ है वो सही है तेरी किताब में जो लिखा हुआ है वो गलत है ये सारा सही गलत इंटेलेक्ट में घुसा पड़ा है दे दे रहे आप इंटेलेक्ट से भी फ्री हो जाओगे कुछ भी सही नहीं है कुछ भी गलत नहीं है चाहे कुछ सही हो चाहे कुछ गलत हो फर्क़ क्या पड़ता है जी ये जो बॉटल है रियालिटी जैसी है सो है इसके बारे में कोई अच्छा सोचता है कोई बुरा सोचता है कोई इसको देख करके खुश हो रहा है कोई परेशान हो रहा है ये सब इंटेलेक्ट का काम है समझ रहे हो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर पड़ी हुई है कि इस बॉटल को छूना नहीं चाहिए इसको छूना धर्म के खिलाफ है इसको संदीप जी ने पिया है तो ये पवित्र है तो इस जल को अगर हम पियेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ये सब इंटेलेक्ट में पड़ा हुआ है वो इंटेलेक्ट जो कन्फ्यूज है फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है करने वाला काम नहीं कर रहा है उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है अगर मैं इसको पीऊँगा तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी उनसे पूछो भाई अगर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो भी गई तो करोगे क्या उसके बाद लाखों और मनोकामनाएं खड़ी हो जाएंगी क्या ये सॉल्यूशन है बचपन से आज तक आपकी कितनी मनोकामनाएं पूरी हुई लाइफ शॉर्ट आउट हो गई क्या क्या नहीं हुई आज तक आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई कोई भी ऐसा है कितनी हुई होंगी बहुत मतलब कितनी हजारों लाखों अनलिमिटेड इनफाइनाइट उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं हुई तो इंटेलेक्ट में क्या पड़ा हुआ है ये सारी चीजें जो भी इस बॉटल के बारे में मैं बोल रहा हूं या आप सोच रहे हो वो सब कहाँ है इंटेलेक्ट में है इसके बारे में जो फील कर रहे हो वो माइंड में है इसको मन बोलते हैं इस बॉटल को देख करके किसी के अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी किसी के अंदर बुरी फीलिंग्स आएंगी कोई इसको देख करके बड़ा अच्छा फील करेगा रोने लग जाएगा खुशी से हाँ 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 ये बॉटल इसको मैं संभाल करके रखूँगी ये बॉटल उन्होंने फेंकी थी और मेरे हाथ में आई थी अब मैं इसको मरते दम तक छोड़ूंगी नहीं है पानी सड़ जाएगा लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और मैं रोज़ इसको पीऊँगी और अपने बच्चों को पिलाऊँगी इमोशनल फूल्स बोलते हैं इनको ये सब माइंड में है इमोशंस आपके जो भी इस बॉटल के साथ में जुड़े हुए हैं ठीक है लेकिन एक्चुअल में बॉटल क्या है बॉटल है जी कुछ भी बोलते रहो इसके बारे में कुछ भी सोचते रहो इसके बारे में कुछ भी फील करते रहो क्या उससे इस बॉटल के होने पर या ना होने पर कोई फर्क पड़ता है बॉटल है तो है नहीं है तो नहीं, नहीं।, नहीं है तो जो मैं हूं उसके ऊपर इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पिरिचुअलिटी में और बाहर की दुनिया में फर्क समझ आ रहा है आपको बारीकी से समझ लो बाहर की दुनिया में आपको कुछ भी करना है पैसा कमाना है काम करना है पढ़ाई करनी है नौकरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा ना बॉडी से कुछ करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में क्या करना पड़ेगा लगाओ दिमाग एक भूत आपको दिख रहा है यानी कि इन रियलिटी आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मैं देख सकता हूं आप नहीं देख पा रहे हो इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने माइंड में कुछ मेमोरी से आप चिपके पड़े हो उसकी वजह से खुद ही खुश हो रहे हो खुद ही दुखी हो रहे हो वही मेमरीज हो सकता है आपके माइंड में पड़ी है जिससे आप खुश हो रहे हो सेम वही मेमोरी आपके हस्बैंड के माइंड में पड़ी है और वो उसी मेमोरी से दुखी हो रहा है एक लड़ाई जिसमें आप जीते थे वो हारा था समझ पा रहे हो मेमोरी तो मेमोरी है सो hmm. एक्चुअल so, में आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं ये समझ कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये रियलिटी है ये कोई इल्यूजन नहीं है कोई इमेजिनरी बात नहीं है आपकी लाइफ में क्या कोई हेल्थ से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है एनीबडी जिसकी लाइफ में आज तक कोई भी हेल्थ से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम ना आई हो झेल गए ना ऐसे ही कितने बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस आए और गए अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंसेज आए और गए अभी भी आप शांति से यहां पर बैठे हो खुशी खुशी बैठे हो तो आगे भी कुछ भी एक्सपीरियंसेस आ जाए कुछ भी चले जाए आप चाहो तो खुश रह सकते हो जैसे गेम चल रहा है ना जैसे एक, एक फुटबॉल का मैच चल रहा है वहां पर गोल हुआ तो लोग बहुत खुश हो गए इंडिया वाले लोग बहुत खुश हो गए पाकिस्तान वाले लोग दुखी हो गए क्योंकि इंडिया ने गोल किया है लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको ध्यान से समझो ये गोल लगाया किसने ये गेम बनाई किसने हमने ही बनाई ना एक्चुअली में कोई जानवर वहां पर बैठ करके देख रहा होगा वो जानवर क्या कर रहा होगा देख करके खुश हो रहा होगा या दुखी हो रहा होगा एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है गोल हो गया नीचे सारे चीख चिल्ला रहे हैं और सपोजिंगली खुशी खुशी में किसी ने कुछ उछाल दिया खाने का तो उसका ध्यान उस खाने की चीज की तरफ होगा इस तरफ नहीं कि गोल हो गया है तो ये गोल कहाँ है बाहर है या हमारे माइंड में है समझ आ गया हमने अपने माइंड में ही एक गोल क्रिएट कर दिया है एक पोस्ट लगा दिया है उसमें से बॉल जा रही है हम कह रहे हैं गोल हो गया है कोई खुश हो रहा है कोई दुखी हो रहा है आप चाहे खुश हो रहे हो चाहे दुखी हो रहे हो उससे फर्क क्या पड़ता है तो कहने का मतलब है आपके साथ कुछ बुरे से बुरा भी हो गया अच्छे से अच्छा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर ये बात समझ आ गई तो उस वक्त भी जिस वक्त वो हो रहा होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना सा फर्क है